शांति। महात्मा गांधी ने अपनी जिन कहानी सत्य के प्रयोग में एक का उल्लेख किया है, चैप्टर 14 प्लेइंग द इंग्लिश मैन, उन्होंने कहा जब विदेश गए लंदन, युवा थे, आहार के विषय में किताबें पढ़ी, मत में परिवार में लिया था, परंतु लगा विवाह क्या मिला, विजरिन लाइफ स्टाइल, शाकाहार क्या होता है, उस पर ढेर सारी किताबें पढ़ी, आहार के विचारिति आई, परंतु उनका जो मित्र था उसे बहुत दुख था कि ये नहीं, और जो मित्र चला कि ये ऐसी किताबें पढ़े तो और ज्यादा दुख होता है, और वो बहुत कर को समझा समझते, और एक बार दोनों में थी है रिश्ता टूटता तो नहीं, परंतु गांधी सोचते हैं कि मेरा मित्र यही चाह रहा है कि मैं जेंटलमैन बनूं, तो मैं बन दिखाऊं, केवल बनी एक मत और भी तले है, धीरे धीरे अगर उस कल्चर में रहना है, वहां जीना है, तो वहां का कल्चर एडॉप्ट करना पड़ेगा, इसलिए लाते हैं कोट के साथ एक टाई, और फिर उस टाई को कैसे बांधा जाए वो सीखते। लिखा है भारत में आईना सामने, तभी मैं रहता था जब बाल काटने हुए, यहां पर रोज 10 मिनट शीशे के सामने बिताता हूं, सब कुछ ठीक ठाक तो है। फिर धीरे उस पैसे खर्च किए, फिर अपने भाई को टेलीग्राम किया कि मुझे और पैसे चाहिए, क्योंकि यहां पर जब तक फ्रेंच भाषा सुना जाए तो फ्रेंच भी सीखनी है, तो फ्रेंच की क्लासेस लगाई, और फिर पता चला खाली फ्रेंच सीखने से नहीं होगा, डांस आना चाहिए, तो डांस की क्लासेस लगाई, हफ्ते में 3 बार डांस की क्लासेस पर लिखा कि मैं कभी सीख नहीं पाया, फिर पता चला हाँ तो म्यूजिक अच्छा आना चाहिए, इतना जान नहीं है, उसकी क्लासेस लगाई, और पता चला अच्छा भाषण भी देना आना चाहिए, लच्छेदार भाषण, इलोक्वेंट स्पीच, और एक एक चीज में एक एक में पैसे खर्च करते गए करते गए करते गए, और भाषण के क्लासेस लगा, भाषण दिखाने वाले ने इनको एक क्योर करो तब तुम भाषण देना सीख जाओगे, और किताब का नाम द स्टैंडर्ड इलोक्यूशनिस्ट इलोक्यूशनिस्ट, और उस लेखक था उसका नाम था बेल। तो महात्मा गांधी ने लिखा कि बेल साहेब की ये किताब पढ़ते 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 एक दिन अचानक में बेल बजी कि मैं क्या हूं, रीडिंग मिस्टर बेल द अलार्म ऑफ बेल में ये वोकअप, मुझे लगा कि मैं नींद था, मैं यहां क्या हमेशा के लिए रहने थोड़ी आया हूं, क्यों मैं ये सब कर रहा हूं, मैं तो जैसे सो गया, और बेल की किताब पढ़ते पढ़ते एक घंटी बजी मन में, और तुरंत ये सारा विस्तार जो किया था, ये खरीदू वो खरीदू, ये करू वो करू, ये भाषा सीखू वो भाषा सीखू, मैं यहां इसलिए नहीं आया था। तो उन्होंने कहा लिखा मेरे कानों में नहीं केवल मेरे दिल में एक बेल बजी, मेरे जहन में एक बेल बजी बजी, मैं क्या कर रहा हूं, सभी ब्राह्मणों के हृदय में भी बचती है, मैं कर रहा हूं, मैं आती था लक्ष्य था जीवन का रखो, तो साकार मुरली परमात्मा प्रेम समय की क्या करती है, अमृतवेला उठाती है, सृष्टि का अधिकलसन उसमें अमृतवेला परमा मिलन की वेला है, तो महावा है बाबा 1989 को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त नहीं ब्रह्मा मुहूर्त, अर्थात ब्रह्मा समान स्थिति में सुबह सुबह स्थित जाना, तारे दिन भर ब्रह्मा के कदमों पर वो है अमेला, सारे दिन भर हर कदम कर्म ब्रह्मा मुहूर्त है, अपने आप को एक दूसरे वाणी
दिशा तिथि में कर दो, अवस्टन जो पावर आए इस अमृत वेले के लिए। पापा ने कौन उठाएगा तुमको, कोई घड़ी नहीं, कोई अलार्म नहीं, किसी नहीं, किसी की बेल नहीं, बुद्धधारी स्वयं भगवान प्यार, ये एक घंटी है। तो आज हम ऐसी ही की चर्चा करेंगे जिसमें सबसे पहले है प्रभु। कल किया तुम अमूल्य रतन, तुम अलौकिक रतन हो, तुम नवरत्न हो। और जैसे मां की दृष्टि तुम पर पड़ती है, तीन बातें हो जाती है, कौन कौन सी, प्यार की दृष्टि जो है तो भक्त भी उनको प्यार करते, प्यार से देखते हैं, प्यारते हैं, प्यार से सब कुछ तुम्हारे लिए करते हैं। दूसरा प्यूरिटी पवित्रता, तुम्हारी पूजा होती है, जन्म तुम्हारा पता से होता है पल। और तीसरा संभाल, जैसे बाप ने माता तुम्हारी याल की है, अविनाशी ना की है, वैसे भक्त तुम्हारी याल ना करेंगे, तुम्हें सम्मान लव देंगे, क्योंकि तुम पर प्रभु प्रेम की अविनाशी दृष्टि पड़ी है। आत्म ऐसा चेतना को ईश्वरीय प्रेम से भर करना है, लबरेज लबा लब भर देना है कि संसार से विराग सो जाए, कुछ करना ना पड़े। वैराग दो विधियां है, एक नकमक एक आत्मिक प्रति घटना करना, चार डले मुरलिहा, ये आसुरी चोला है, ये संसूरी है, ये तुम्हारा चोला भी आसुरी है, ये छी छी की दुनिया है। पांच दिन पहले मुरली में था चले में, तुम्हारा ये शरीर विषय वर्णी हो जो इस संसार से विरक्ति आ जाए, डिटैच हो जाए, दूसरा में कहीं और उड़ जाना, ईश्वरीय प्रेम में डूब जाना, तो ये संसार विराग प्रेम होगा, पुरुषार्थ नहीं। तो सबसे पहला है ईश्वरीय प्रेम, प्रेम बढ़ाना है। और बाप से प्यार अर्थात उनसे प्यार, से प्यार अर्थात यारित से प्यार, ज्ञान से प्यार, इस परिवार से, मधुबन से प्यार, मधुबन निवासियों से प्यार, इस प्यार को बढ़ाना है। संगठन में सबके बीच रहे, सबकी कमजोरियों को देखते देखते मन में कुछ कुछ हो जाता है, और यदि कोई विघ्न बनकर आए होता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, न रावण का दोष न मनुष्य का दोष, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि तुम सामने कोई व्यक्ति परिस्थिति समस्या या विघ्न बनकर आता है, साक्षिति में सुस्त हो जाओ और उसे निर्दोष समझो, ये बाप की आज्ञा है तुम्हारे, क्या समझो, उसे निर्दोष समझो। यदि कोई व्यक्ति विघ्न परिस्थिति या समस्या बनकर आता है, साक्षी स्थिति पर स्थित हो जाओ और उसे निर्दोष समझो, ये ड्रामा एक्यूरेट बना है, इसमें किसी कोश नहीं। तो इस संगठन में रहते हुए भी, सभी ब्राह्मण परिवार के बीच में रहते हुए ये ना भूलना, कल भगवान ने क्या कहा था, सारे संसार की प्रॉपर्टी एक तरफ, सारे संसार का खजाना पर एक अमूल्य रत्न एक तरफ, इधर पलड़ा भारी है, इसके सामने ये सारी अक्षयोनी सेना एक तरफ, तुम एक तरफ, तुम ज्यादा शक्तिशाली हो। यदि मैं अमूल्य रत्न हूं तो यहां बैठे सभी अमूल्य रत्न है, एक एक को भगवान ने चुना है। इसलिए अगर निगेटिविटी दिखे, बाप ऐसा नहीं कहते हैं कि रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहो, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, बाप ये नहीं कहते कि रॉन्ग को रॉन्ग कहो, रॉन्ग देखो परंतु अंदर दिल में न समाओ। बहुत कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, यदि तुम्हें मन की शांति चाहिए, रिजाइन एज द जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स, तुम इस ठेकेदार नहीं, मैं हूं, ये क्यों वैसा वो क्यों वैसा, ये तुम नहीं सोचो, ये मेरा काम है, सबको मैं ठीक कर दूंगा, दुख का कारण है, यहां जो हो रहा है सत्य है। तो सबसे पहली बात, इस प्रेम को इतना बढ़ाना है कि वो प्रेम ही सुबह सुबह हमको जगा दे, किसी की आवश्यक, किसी को आवश्यकता नहीं मुझे जल्दी उठा देना, चाहे भी लेट हो जाए फिर भी अपने आप आएगी। यदि प्रभु प्रेम ऐसा अंदर कूट कूट के भरा है, हाँ गया जो भक्त में हम
भगवान से करते थे, दर दर ढूंढते थे उसको, ठोकरे खाते थे, पुकारते थे उसको, आओ प्रभु कहाँ हो तुम। अमृत वेला ऐसे बैठ जाना कि जैसे ये संसार मर चुका है। बाबा ने कहा इस संसार से गुम हो जाओ, इस संसार से गायब हो जाओ, सुन हो जाओ, डेड साइलेंस। अलग अलग या अलग अलग शब्द है। उन आंखों में देखो और उन आंखों से अपने आप को भर लो। ऐसी अथाह शक्तियां उन आंखों से आ रही है, ये अनुभव तो भर जाए उस प्रेम से। तो सबसे पहला काम ये करना है, इस प्रेम को बढ़ाना है। और आप सबको एक काम दे रहे हैं, प्रभु प्रेम कैसे बढ़े इसके लिए मैं क्या करूं, कुछ लिखना है इसके लिए। अभी जितना प्रेम है वो बहुत बढ़ जाए, अभी जो भावनाएं बहुत जाए, जो प्रेम हम में है वही सब में हो जाए। दादी जानकी ने विदेश में एक भाई को 26 साल तक टोली खिलाई, उसके बाद वो ज्ञान में आया। कैसा धैर्य है। हम होते तो शायद इसका कुछ नहीं हो सका, ऐसा कूट कूट के ईश्वरीय प्रेम अंदर भरा है कि वो प्रकट होगा। सेवा पुरुषार्थ नहीं, सेवा प्रभु प्रेम का परिणाम है। अपने आप सेवाए हो जरबु प्रेम है। तो सबसे लाधा है अमृत वेला उठने का, अमृत वेला समय की घंटी सबसे पहली है प्रभु प्रेम, जिसकी मुरली में आज बाबा ने चर्चा की। और दूसरी है मर्यादा युक्त दिनचर्या, मर्यादा युक्त दिनचर्या। साकार महावाक्य बाबा के घर में किसी से लगाव हो जाता है तो ये समझो किसी से दिल आ जाना, अर्थात जहन्नुम में जाना। मेरे रिक्त किसी से भी प्यार नहीं करना। तीन दिन मुरली में श्रीमत छोड़ी अर्थात रसा तल में गिरे। अपनी दिनचर्या को इतना योग्य बनाना। अव्यक्त वाणियां है बहुत सारी, जिसने दिनचर्या कैसी हो उसका वर्णन किया। स्पार्क में किताब है अलौकिक दिनचर्या, अमृत वेला क्या करना है, मुरली में क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोल में खाते समय क्या करना है, पीते समय क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है, और कर्म योग में क्या करना है, संबंधों में क्या करना है, नुमा शाम का योग क्या करना है, रात्रि क्या करना है। सारी दिनचर्या मर्यादा युक्त हो। ऊपर पांडव भवन में सभी दादियों के ऐसे चित्र लगे हुए हैं जैसे लगता है सामने बैठी हुई है, लाइफ साइज इमेजेस। इतनी सारी दादियों के चित्र लगे हैं, ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल है, और उनको देखकर लगता है कि क्या हमारी दिनचर्या भी ऐसी हो सकी थी। इनको परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ पता ही नहीं था, सेवा के अतिरिक्त तो कोई और संसार का कोई ज्ञान नहीं। संसार की किसी किताब के बारे में पता कुछ पता नहीं, केवल बाबा 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 बाबा। अपनी दिनचर्या को चेक करना है। कल की अव्यक्तवाणी, मैं सब कुछ हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, ये दोनों भी ना हो। मैं अमूल्य रतन हूं, अपना महत्व समझो। क्यों अमूल्य रतन हूं? क्योंकि बाप है। तो सारी दिनचर्या में क्या वो मेरे साथ है, क्या उसको मैं छोड़ देता तो नहीं? फिर शाम को ही याद आता है बाबा, याद है अमृत वेला, सारे दिन भर भूल गया और शाम को याद आ रहा है। ऐसा क्या करे कि जिससे उसकी याद व्यस्त दिनचर्या में। कोई ये नहीं कह सकता मैं बहुत बिजी हूं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 31 दिसंबर 1995, बिजी रहना खुश नसीबी की निशानी है, बिजी रहना खुश नसीबी की निशानी है। कोई कितना भी व्यस्त हो, अति में अंतस करो। अति अर्थात सेवा की अति है, बहुत व्यस्त दिन चल हुए उसमें भी अचानक समय मिले अशरीरी हो जाओ। बीच बीच में अभ्यास और दो काम करने हैं दिनचर्या में जिससे बाबा की याद रहे। पहला बाबा का बार बार आह्वान, क्या करना है, आह्वान, आ जाओ आ जाओ, छोटी छोटी सेवाएं में आ जाओ। और दूसरा शुक्रिया, क्या करना है, शुक्रिया।
जो भी सेवा मिली, जैसी भी सेवा मिली, जो भी हम कर रहे हैं, बाबा शुक्रिया उस चीज के लिए, शुक्रिया इस दिनचर्या के लिए, इस मधुबन के लिए शुक्रिया, हर बात के लिए शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड भर देना है अंत में। कंप्लेन का जो भाव है, मुझे ये किला कमरा ऐसा क्यों है, ये पार्टनर ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वो करते हैं, ये ब्राह्मणी ऐसे क्यों करते हैं, इन सबसे ऊपर निकलना है, छोटी छोटी बातों से। तो दूसरा, दिनचर्या को क्या करना है, मर्यादा युक्त। यदि मर्यादा युक्त दिनचर्या है तो अपने आप अमृत वेला आंख खुलेगी। यदि दिनचर्या में कोई श्रीमत का उल्लंघन किया तो मन बदलेगी, सुला देगी। और जिस दिन सो गए, और अमृत वेला केवल उठने से नहीं, अमृत वेला उठना, वेला अलर्ट होके बैठना, उठे तो है परंतु बुद्धि भटक रही है, उठे तो है परंतु नींद में गुजर रहा है, उठे तो है परंतु व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उठे तो है परंतु कोई अनुभव नहीं। अमृत वेला ऐसा हो कि वो होने के बाद ऐसा लगा कि आत्मा में ऊर्जा शक्ति का भंडार भर गया है जो सारे काम आएगी। क्या ऐसा अमृत वेला हमारा है या नींद में ही गुजरता है, कब 4 बजते और कब 4:45 पता ही नहीं चलता। हंसी की बात है, एक भाई शांति स्तंभ पर बैठकर योग कर रहा था और पूरा नीचे, सुना होगा किसी ने कहा क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं सकाश दे रहा हूं धरती को, क्योंकि अगर नींद करते पकड़े गए तो फिर कारण ढूंढने पड़ते, झूठ भी बोलना पड़ता है। दूसरा काम, दिनचर्या को श्रीमत अनुसार बनाना है, मर्यादा युक्त बनाना है। अपने आप को देखना है कि आज सुबह से लेकर अब तक कोई मर्यादा टूटी तो नहीं। बाबा ने कहा है मौन में भोजन करो। भोजन जब कर रहा था अब याद थी या भोजन की? तीसरा आधार, समय की घंटी। तीसरी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। कल की अव्यक्त वाणी, पवित्र तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और पवित्र तुम्हारा निज स्वधर्म है। इन दो बातों को भूलो मत। वो जो अधिकारी है उनको पवित्रता सहज लगेगी, जो अधिकारी नहीं है उनको मुश्किल लगेगी, भागेंगे। बार बार पवित्रता की प्रतिज्ञा रिवाइज करनी है। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 1969। ये सांप है, सांप में विष होता है। जैसे बाप दादा सभी को मणियों के रूप में देखते हैं, तुम बच्चे भी सभी को मणियों के रूप में देखो। मणि देखोगे तो बाप के गले का मणि बन जाओगे, और शरीर यदि देखा तो सांप में विष होता है, काटेगा। इसलिए बाप दादा से कहते हैं प्रतिज्ञा करो स्वयं बाप, आज के बाद इस शरीर को देखेंगे ही नहीं। पवित्रता और अपवित्रता का आधार है स्मृति अव्यक्त है बाबा की, 28 जुलाई 1987। पवित्रता और अपवित्रता का आधार है स्मृति। यदि किसी बहन को समझो कि ये देवी है, बाबा के महावाक्य है, यदि किसी बहन को देखो और समझो कि ये देवी है तो अपवित्र भाव ही नहीं आएगा, देह की स्मृति ही नहीं आएगी, क्योंकि पवित्रता अपवित्रता का आधार केवल स्मृति है। तो अपनी प्यूरिटी को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो पवित्रता को भंग कर, बाबा ने कहा यदि किसी को देखो कि नॉवेल पढ़ रहा है जाके फाड़ दो, साकार महावाक्य बाबा के। ऐसे वो सारे चित्र बाइस्कोप अर्थात नरक का द्वार। जो कुछ देखोगे, फिल्मी कहानियां देखो, वो सारी कहानियां दिमाग में घूमती रहेगी, फिर बाप की याद नहीं होगी वहां पर। इसके लिए बाप बाइस्कोप के लिए मना करते, ये है बेहद का बाइस्कोप ये दुनिया, टीवी अर्थात टीवी। और जितना समय वो सीरियल देख रहे, और जितना समय वो संसार का मीडिया देख रहे, एक ही प्रश्न देखते समय अपने आप से पूछना है, ये देखते समय क्या मुझे बाप की याद है।
हर कुछ जो आंखों द्वारा कानों द्वारा एंट्री कर रही है मन में, उसको फिर से तोलना है, देखना है, अंदर जाकर कर क्या। जैसे कोई गोली अंदर जाती है तो बहुत कुछ करती है, वो गोली शरीर के साथ कुछ करती है, शरीर गोली के साथ कुछ करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, ये दो शब्द है। उसी तरह जो दृश्य मैंने देखा, जो वस्तु अंदर गई, वो वस्तु शरीर के साथ मन के साथ कुछ करेगी, मन उसके साथ कुछ करेगा, कल्पनाओं का जाल बुनेगा, सेंशुअल फैंटेसीज, और आत्मा गिरेगी नीचे, व्यर्थ संकल्प आएंगे, काम जागेगा। साकार महावाक्य बाबा के, यदि काला मुंह किया तो 12 महीने तक यहां नहीं ना, ये बाप की आज्ञा है। फिर रिवाइज करना है, क्योंकि जहां प्यूरिटी इंट है, बहुत ज्यादा है, वहां अपने आप खुलती है, अपने आप शक्तिशाली अमृतवेला होता है। और जिसका रोज अमृतवेला मिस हो रहा है, और या कई दिनों में मिस हो रहा है, और बार बार कभी टाइमिंग कंसिस्टेंस नहीं है, कभी 4:30, कभी 4:45, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी 5 और कभी 6, कभी 2, हर दिन अलग अलग अमृत वेला है, स्थिरता नहीं है। जरूर श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है और जरूर प्यूरिटी में कमी है, जरूर कोई देहधारी तरफ बुद्धि जा रही है। हम किसी को याद ना करें, ना कोई हमें याद करे, ना हमारा किससे लगा हो, ना किसी का हमसे लगा हो। तो तीसरा आधार प्यूरिटी, चौथा आधार योग का लक्ष्य, योग में रुचि और योग में नवीनता। हर दिन एक ही प्रकार का योग नहीं करना है, हर दिन नया नया योग। कभी शुरुआत ही सत्युग से करो, तो कभी शुरुआत ही परमधाम से करो, और लंबा लंबा समय में एक अभ्यास हर एक को करना है, परमधाम की अवस्था में स्थित होने का, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस, आत्मा जैसे अश्वरी हो जाए। क्वांटिटी भी क्वांटिटी, जिनको अच्छा पुरुषार्थ करना है, सारा फोकस, क्योंकि सारे दिन में इसे है, हरे को नहीं आएगा, कुछ करना है तो कर लेना, उसमें आत्मा। तो योग का कोई लक्ष्य हो कि आज मुझे क्या अनुभव करना है, योग में रुचि कैसे बढ़े, उसके ऊपर सोचना है, चिंतन करना है, अमृत वेला की क्या क्या समस्याएं है उस पे सोचना है, मेरी व्यक्तिगत। लाइट हाउस कैसे बन जाऊं, कई बार कईयों ने अनुभव किया होगा कि परमधाम की स्थिति ऐसी स्थिति है कि वहां अगर बैठो उसमें सब कुछ समा जाता है, किसी को कहीं सकाश देने की आवश्यकता नहीं, सारी सकाश उसमें समाई हुई है, वो है और मैं हूं, बस उसमें आत्मा समा गई, एक हो गई जैसे। और इसी अवस्था में विकर्म विनाश भी होंगे, इसी अवस्था में जो पास्ट है, जो व्यर्थ है, जो दर्दनाक है, जो जीवन में हुआ है, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तब तक डिलीट नहीं होगा, तो योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, योग के भिन्न भिन्न प्रयोग, योग में रुचि कैसे बढ़े, योग के ऊपर चर्चा करनी है, और सारे दिन भर में भी अलग अलग प्रकार का योग करते रहना है। मैं आत्मा में फैल रही है, ये जो दिखाई अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे, बाबा ने बातें बताई थी कल। सब सहला तुम अमूल्य हो, संसार की सारी पारख रख, तुम्हारे ये कुछ भी नहीं। स्मृति, स्वयं को ही याद कराना है कि मैं हूं कौन, मुझे अमृत वेले की स्मृति, अन की स्मृति, संगम युग की प्राप्तियों की स्मृति, दूर किसी परिवर्तन आए जाते हैं, बड़े ही दुर्लभ श्रेणी के प्राणी,
केवल अभी पाए जाते। तीसरा में जो कुछ है वो कुछ संगम युग का फर्स्ट नंबर पर है, यह अमूल्य रतन, वहां तो दैवी संतान होंगे, यहां ईशान। चौथा, जैसे नाम है, कर्म है, जन्म है, वैसे श्रेष्ठ है, वैसे तुम्हारा भी नाम कर्म श्रेष्ठ है। जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है, अर्थात मेरे हर कर्म दिव्य हो, दिव्यता उसमें झलके, हर शब्द दिव्य हो, व्यर्थ कुछ भी ना हो। जगदीश भाई ने एक जगह लिखा है, यदि हमने जीवन ना बोला वो शॉर्ट किया जाए और उसकी कैसेट बनाई जाए और ओमन जो है उसमें भर दिया जाए, तो वो जो साउंड बॉक्स है उसमें जितना भरा जाए उतना ही काम का होगा, बाकी पूरे हॉल में जितना अर्थ, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नवरत्न हो, नवरत्नों का गायन है विनाशक, वैसे भी विघ्न विनाशक हो, तुम्हारा भी भक्ति मार्ग में इस तरह से गायन होगा। लॉकेट में पहनते हैं या यादगार रूप में घर में, मैं क्या हूं, क्यों मैं भूला हूं अपने आप को, एकांत में जाकर बैठ अपने आप से बात करो। पांच, छठवा, बाबा ने कहा था तुम अपने आप को भले अयोग्य समझो, बाप ने तुम्हें योग्य समझा है और तुम्हें मैं तेरा, इतनी अच्छी बात बोल दी। अगला पांच दृष्टि हमने चर्चा की, प्यार मिलेगा, पवित्रता मिलेगी, असल होगी, उसके बाद में अक्षय योनि सेना, एक तरफ तो योनि सेना, एक तरफ एक बात नहीं भूलना, बात इसलिए धीरे तुम पूर्वज हो। और लास्ट बात मूवी जो मुरली में थी, प्यूरिटी के अधिकार स्वरूप है तुम्हारा, और माया में भी थोड़ी चर्चा की, अगर रास्ते कचरा है बैठ के डाला, क्यों डाला, क्या डाला, किनारा करके चले जाओ, माया आई कहां से, कैसी आई, क्यों आई, हरी है पीली है, था ना सब, किनारा कर लो, माया आई है, विघ्न आया है, ये सब आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए, स्थित और अनुभवी बनाने के लिए, विघ्न का सट, तो स्मृति, अपनी स्मृति को ऊंचा उठाना है। अभी सारे दिन भर जिन ख्यालातों में रहते हैं, एक असाकार मूर्ति जिसमें बाबा ने कहा दुनिया के सब अपने नेचर जो टेंडेंसी है, एकांत में बैठो का चिंतन करता है, अपने में हुई बुरी बात का चिंतन करते बैठता है, यहां हमको ये सब नहीं करना है। बाबा ने कहा गहराई में ही जाओ, किसकी गहराई, ज्ञान की गहराई में जाओ, रोज अव्यक्त मूल्य अध्ययन, रोज की सार मूल्यों का अध्ययन, रोज कुछ समय मन कुछ शांत में आला फिरते हैं, जैसे वो स्टूडेंट गार्डन में जाकर एकांत में पढ़ाई करते, वैसे ये पढ़ाई भी एकांत में, एक है क्लास स्टडी, एक है होम सी, दो तो उसके बाद में सोने की, कैसे हम इस पर बाबा ने कहा यहाँ यदि सोने से पहले चर्चा करो कमरे के और फिर अंदर सो, सोने का काम को अप्लिक्स करना है, क्या मैं करूँ, वो जो आधा कर और ना हो सके जितना, जो जल्दी सोए उतना अच्छा, जो लेट सोता है उतना अमेल असर पड़ेगा, और सारे टेम्पटेशन सारे आकर्षण सारे प्रलोभन इसी पीरियड में है, जब व्यक्ति से मुक्त हो गया, भोजन हो गया, सब कुछ हो, आस हो गई, अभी आराम से डिजल नगर बीच में पहले, और वहीं पर माया है, प्रोग्राम बनाना है हर एक ने अपना, 4.3.1 कि वो रोज होने चाहिए तीन बातें, उसके बाद ही मैं सोऊंगा, उसके सिवा नहीं। तो सात दिन या तो लिख के चार्ट लिख के या सुना के बाबा के सामने बैठ के आज सब कुछ जो देना है, एक पाप हो गया कोई श्री का उल्लंघन हुआ वो भी उसको सुना दे, माफी भी मांग लेना, एक अव्यक्त ने कहा है माफी शब्द इस ड्रामा में नहीं है, इसने जो किया है उसको वो भुगतना पड़ेगा, पर तुम माफी इसलिए मांग, ऐसा बाबा ने किया ताकि वो पाप और ना बढ़े, बाकी माफी इस ड्रामा में हो ही नहीं सकती किसी को, जो बड़ी है कि अज्ञान में एक का एक गुना था और ज्ञान में 100 गुना है, पाप और पुण्य दोनों, मेरे से कोई गलती नहीं, दुखी तो नहीं, हर्ट तो नहीं किया, उदास तो किया, चेकिंग, दूसरी स्वयं की चेकिंग, सारे दिन भर में मन की स्थिति कैसी थी, शरीर के तल पर था या अंकल था, हम तलों पर जीते,
कर्म संकल्प भावना डिस्ट फीलिंग्स पहले सुना दे, जो लिख सकते हैं वो लिखे, दूसरा कुछ तो पढ़ाए। स्पार्क की बहुत सारी किताबें छोटी छोटी अपनी करनी है, क्या भी सोना है, और तीसरा बाकी याद में सोना। नींद करते बाकी याद में ऐसे सजाओ, फिर देखो कैसे मजा आता है साकार महावाक्य बाबा के। तो क्लास से जाने के बाद मन एक विधि बनी, हर चीजें मैं करूंगा। और दूसरा मोबाइल, जिनको रात में कोई इमरजेंसी कोई कॉल नहीं है वो उसको थोड़ा बाहर ही कर दे, साइलेंट कर दे, वाइब्रेट में डाल दे, शरीर से अलग कर दे और फिर सोए। जिनको इमरजेंसी है वो अलग बात है। लास्ट घंटी योग निद्रा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। योग निद्रा को वैज्ञानिक निद्रा कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक निद्रा। भारत में एक स्वामी थे वेद भारती, वो योग निद्रा के मास्टर थे। योग निद्रा नींद करना नहीं है और ना ही जागना है, दोनों के बीच की अवस्था को योग निद्रा कहा जाता है। सात स्टेजेस है उसकी। वेद भारती इटली में गए थे प्रवचन देने, उनको इटली भाषा इटालियन भाषा नहीं आती थी। उन्होंने कहा, उन्हें एक भाषण लिखा हिंदी में और सो गए, अर्थात लेट गए, योग निद्रा में चले गए, और अपने शिष्य से कहा कि इस भाषा को वहां के जो लोग थे उसको इटली इटालियन भाषा में ट्रांसलेट करो और मैं जब सोया रहूंगा मुझे वो सुनाओ। वो सो गए अर्थात योग निद्रा में चले गए, खर्राटे लेने लगे, देखा तो लगा ये व्यक्ति सोया है, और उस शिष्य ने इटालियन भाषा में वो पूरा भाषण चार पेज का उनको सुनाया। वो उठे, गए पब्लिक सामने, उसी इटालियन भाषा में वो भाषण दे दिया, जबकि उनको पता भी नहीं था। उनको पूछा ये आपने कैसे किया, उन्होंने उत्तर दिया योग निद्रा, द ड्रीम द स्लीप ऑफ योगा। योग निद्रा पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, साइंटिफिक प्रयोग हो रहे हैं। अगर कोई नई भाषा सीखनी है तो कहा जाता है कि नींद की अवस्था में सबसे ज्यादा माइंड एक्टिव होता है। अब ये योग निद्रा क्या है, ब्राह्मण आत्मा से कैसे करें, विद स्लाइट मॉडिफिकेशन हम आपको बताएंगे। संसार में बहुत सारी स्टेप्स है, इसकी 7 स्टेप्स बताई जाती है। हमारी दिनचर्या में भी सोने की जो विधि है, एक तो बताया सोने की विधि, ये सातवां छठवां पॉइंट था, और सातवां है एक बार बिस्तर पर लेट गए, ये बिस्तर है या हम हैं, अब क्या करना है। फर्स्ट स्टेप टोटल रिलैक्सेशन, शवासन, दोनों हाथ ऐसे पैर ऐसे। और कैसे हम सोते हैं, एक योगी के सोने की विधि भी जरा ठीक होनी चाहिए। सोते सामने कहीं और से उल्टा तिल्टा परिक्रमा करते हैं या चक्र घुमा देते हैं, कोई देखे तो लगे कि ये योगी सो रहा है। महात्मा बुद्ध से किसी ने, आनंद ने पूछा, मैं आपके साथ इतने सालों से रह रहा हूं और मैंने देखा एक ही कमरे में कि आप जिस करवट पर सोते हो रात को, सुबह उठता हूं तो देखता हूं उसी करवट, क्या आप रात में करवट नहीं बदलते, क्या रात में भी सोते रहते हो, जागते रहते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरा मन इतना शांत हो गया है, मुझे अब करवट बदलने की आवश्यकता ही नहीं, करवटे तो वो बदलते हैं जो अशांत है, रात भर इधर उधर उधर बेचैन रहती है, नींद नहीं आती है, रात भर पंखे को देखते रहते हैं, 2 बज गए 3 बज गए अकेला हो गया, दुख होता है कि अब तक नींद नहीं आई, अनिद्रा। हम ओपीडी में कितने पेशेंट्स, कितने ब्राह्मणों को देखते हैं, कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती है, क्या करें। दिन में सोते हो, दिन में भी नहीं सोते, रात में भी नहीं सोते, एक ये ग्रुप है। और दूसरा एक दूसरा ग्रुप है, तो नींद ही नींद, भयंकर नींद। एक भाई आया था हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अभी हाथ धोए, अभी पानी टपक ही रहा है और नींद सो गए, भाई साहब पानी टपक रहा है, इतनी क्विक फास्ट नींद, 1 सेकंड में नींद आ जाती है। कहां पर भी बिठाओ नींद,
कहां पर भी बिठाओ, कहां पर भी सुलाओ नींद, ना तुचम ना तिटीचम, बीच का। तो पहली स्टेप अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना। दूसरी स्टेप संकल्प लेना, कोई भी स्वमान का संकल्प लिया जा सकता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस तन में बैठी हूं। सोते समय जब बेड पे गए हैं, लाइट्स ऑफ हो गए हैं, तब ये कर रहे हैं। तीसरा, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को पूरे शरीर में घुमाना है, एक एक अंग को देखना है, नीचे से अंगूठा रिलैक्स, उंगलियां, पिंडली, घुटने, पूरे शरीर को धीरे धीरे देखना है। इस पर साइंटिफिक प्रयोग किए गए बहुत सारे लोगों की बीमारियां इसी से ठीक की गई है, और अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये प्रयोग चल रहे हैं कि नींद में कैसे लोगों को ठीक किया जाए। तो तीसरा, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद में चौथा, थोड़ी देर अपने श्वास देखना है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। पांचवा, विजुअलाइजेशन। वो लोग कुछ और करते हैं, हम ज्ञान के अरिधि से जो संकल्प लिया उसको कैसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे मैं फरिश्ता हूं या बाबा के पास हूं, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, या मैं बाबा की गोदी में सो रहा हूं, या परम धाम में, ये शरीर की गाड़ी यहां गैराज में डाल दी और आत्मा ड्राइवर ऊपर चली गई परम धाम में बाबा के पास। अलग 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 विजुअलाइजेशन ये कब करना है, बेड पर जाने के बाद, जब सो रहे हैं उस समय, क्योंकि सोते समय जो अंतिम संकल्प होगा उठते समय वो पहला होगा। सोते समय रात की जो स्थिति होगी वही सुबह की स्थिति होगी। अमृत वेले का आधार नींद कैसे करते, सो कैसे रहे, वो है। उसके बाद में फिर से संकल्प, फिर से वो जो संकल्प पहले लिया था, अब फिर से उसी संकल्प को दोहराना है, और दोहराते दोहराते कोई बहुत महान बहुत श्रेष्ठ संकल्प, मैं संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूं। कल बाबा ने कहा था, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिवेणी हो और त्रिकालदर्शी हो। त्रिवेणी क्यों कहा था, ये आप सबके लिए होमवर्क चिंतन का विषय है। मैं त्रिवेणी हूं, कौन सी त्रिवेणी। अगला, एक्सटर्नलाइजेशन, लास्ट स्टेप है ये। योग निद्रा लिए कहा जाता है, अगर कोई 10 मिनट योग निद्रा करे तो उसे उठने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि 2 घंटा नींद हो गई। 2 घंटा योग निद्रा करे तो उसको लगेगा 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। जब बहुत बिजी हो और टाइम नहीं है सोने के, 10 मिनट मिले, उस 10 मिनट योग निद्रा का अभ्यास कर, निकल के जब वो सोना नहीं है और जगना बीच की अवस्था है, निकल के आने के बाद फुल एनर्जी आ गई है योगी की, धीरे धीरे नींद कम हो, क्यों, वो योग निद्रा में प्रवेश करने लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा रात को सो रहे, 2 बजे का टाइम है, किसी ने दरवाजा ऐसे किया, बाबा की बच्ची कौन है, क्या बाबा आप जाग रहे थे, तो ही कभी निरंतर चेतना उस अवस्था में है जहां जागरण भी नहीं, बीच की अवस्था। और इसको हम इस ज्ञान के आधार अलौकिक बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं। इसका हर एक को खुद जब प्रयोग करेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। तो उस स्टेज 7 स्टेज है, बाहर निकल के आ जाना। पर हम क्योंकि ये रात में कर रहे हैं, तो दिन में भी करते हैं, अमृत वेला 2 बजे, उसके बाद में दिनचर्या में सोने का टाइम नहीं है, 10 मिनट मिलता है, 10 मिनट कहीं पर भी लेट जाओ सोफा, वहां पर योग निदान से सेवा किया। बहने बहुत बिजी बैठ के बैठे बैठे वापस शक्ति जाएगी। एक्सटर्नलाइजेशन, बाहर वापस निकालना। हम क्योंकि ये रात में कर रहे हैं तो संकल्प करते 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 सो जान, कब नींद आ गई पता ही नहीं चलेगा। पर सुबह जब उठेंगे तो ऐसी ये 7 स्टेजेस बताई, 7। सबसे पहला प्रभु प्रेम, दूसरा मर्यादा युक्त दिनचर्या, तीसरा पवित्रता, चौथा योग में रुचि या लग, अगला स्मृति, ये समय की घंटी। समय की घंटी की कोई और बातें भी है, जैसे समय की घंटी, समय का क्या इशारा है, समय बहुत कम है, अब जाना है, अपने आप को समय बहुत विस्तार कर लिया, अब स्टॉप, जगाना है, जाना है। यही समय की मांग है, समय का इशारा, समय की घंटी है। जब ये सुनेंगे तभी समय की रेत पर हम अपना छोड़कर जा सके। ओम शांति।